आज मैं आपको हैदराबादी कचुंबर की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे रोटी चावल आप किसी के साथ भी खा सकते हैं और आप चाहें तो इसे साइड डिश के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए ये हमने 5 मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं। अब हम टमाटर को सबसे पहले काट लेते हैं। तो टमाटर में से हम एक टमाटर ले लेते हैं और टमाटर के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसे हम सबसे पहले काट लेते हैं क्योंकि ये वाला पोर्शन हार्ड होता है। और इस टमाटर को हम 2 पीस में काटेंगे। देखिए इस तरीके से हम सभी टमाटरों को काट के तैयार कर लेते हैं। हमने सभी टमाटरों को काट लिया है। अब हम टमाटर की चटनी बनाना शुरू करते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून ऑयल हम इस पैन में डाल देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर आधी टीस्पून राई डाल देते हैं, आधी टीस्पून जीरा, ये हमने थोड़े से लहसुन लिया है इसे भी डाल देते हैं। अब सभी चीजों को स्लो मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए भून लेते हैं। ये हमने 10 से 12 करी पत्ते लिए इसे भी डाल देते हैं और करी पत्तों को भी इसी के साथ भून लेते हैं। अब ये सभी चीजें भून गई हैं। अब जो हमने टमाटर काटे थे वो हम इस पैन में लगा देते हैं। ये हमने सभी टमाटरों को लगा दिया है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून पानी डाल देते हैं जिससे कि टमाटर जलेंगे नहीं। अब इसे ढक देते हैं और स्लो मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए टमाटरों को सॉफ्ट होने देते हैं। जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने चटनी में डालने के लिए थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया, 3 हरी मिर्च, 1 मीडियम साइज की प्याज, आधा खीरा लिया है। अब इन सभी चीजों को महीन महीन चॉप कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्याज को चॉप कर लेते हैं। प्याज के पीछे वाले पोर्शन को निकाल देते हैं। तो प्याज को इस तरीके से चॉप करना है। ये हमने प्याज को चॉप कर लिया है। अब इस वाली प्याज को भी हम चॉप कर लेते हैं। ये हमने प्याज को चॉप कर लिया है। अब हम खीरे को भी काट लेते और खीरे को भी हम इसी तरीके से पतला पतला काटेंगे। ये हमने खीरे को काट लिया है। अब ये खीरा बचा है इसे भी काट लेते। ये हमने खीरे को भी काट लिया है। इस तरीके से हम सभी चीजों को महीन महीन काट के तैयार कर लेते हैं। ये हमने सभी चीजों को चॉप कर लिया है। अब हम टमाटरों को देख लेते हैं। देखिए हम टमाटर का छिलका निकाल लें तो ये इजीली निकल रहा है, इसका मतलब टमाटर सॉफ्ट हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सभी टमाटरों के छिलकों को निकाल लेते हैं। ये हमने सभी टमाटरों के छिलकों को निकाल लिया है। अब टमाटरों को हम इस तरीके से मैश कर लेते हैं। हमें इन टमाटरों को गरम गरम में ही मैश करना है जिससे ये आसानी से मैश हो जाएंगे। लहसुन भी सॉफ्ट हो गया है, इसे भी हम टमाटर के साथ ही मैश कर लेते हैं। और सभी चीजों को हमें अच्छे से मैश करना है। ये चटनी खाने में जितनी ज्यादा टेस्टी लगती है इसे बनाना उतना ही आसान है, झटपट बनके तैयार हो जाती है। जब भी आपको खाने में टेस्ट नहीं आ रहा हो, खाना खाने का मन नहीं है, तब आप इस चटनी से भी खाना आसानी से खा सकते हैं। अब ये टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए। अब टमाटरों को ठंडा होने के लिए इस बॉल में निकाल लेते हैं। अभी ये टमाटर काफी गर्म है, इन्हें हम ठंडा होने देते हैं। अब ये टमाटर भी ठंडे हो गए, इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में आधी टीस्पून भुने वाले जीरे का पाउडर,
आधी टीस्पून लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी कम होती है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आधी टीस्पून कुटी वाली लाल मिर्च, हम इस चटनी को चटपटा बना रहे हैं इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको चटपटी थोड़ी सी कम पसंद है तो आप मिर्च कम भी डाल सकते हैं। आधी टीस्पून काला नमक, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, चटनी खाने में टेस्टी लगती है। आधी टीस्पून सफ़ेद नमक, नमक भी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इस चटनी को टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देते हैं। अब ये चटनी खट्टी मीठी और चटपटी लगे उसके लिए 1 टीस्पून चीनी लिए इसे डाल देते। चीनी डालने से चटनी का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। अब चटनी के अंदर जो हमने वेजिटेबल काटी थी वो हम सभी वेजिटेबल को इसके अंदर डाल देते। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इस चटनी को और भी ज्यादा चटपटा बनाने के लिए अब हम इसके अंदर 1 नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू के रस को मिक्स कर देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया टमाटर की चटनी बनके तैयार हुई है। अब हम चटनी को सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया हैदराबादी टमाटर का चटपटा और टेस्टी कचुंबर बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि कितना टेस्टी बनके तैयार हुआ है। आप इसे चावल और रोटी के साथ तो खा ही सकते हैं, और आप चाहें तो इसे पूड़ी पराठे या आप स्नैक्स के साथ भी खाएंगे तब भी ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी तरह की चटनियों की रेसिपियाँ डाली हुई हैं, उन्हें काफ़ी पसंद भी किया गया है। आप मेरे चैनल पर जा कर के उन सभी चटनियों को देख सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स करके ये ज़रूर बताइए कि आप इस चटनी को कब बना रहे हैं और आपको ये चटनी कैसी लगी। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ी सी प्याज, थोड़ा सा खीरा। अब मैं आपको इस चटनी को पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया टमाटर की चटनी बनके तैयार हुई है। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी टमाटर की रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।